जोमैटो और स्विगी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जब कभी भी भूख लगे या कुछ खाने का मन करे तो मोबाइल के एक इशारे पर डिलीवरी बॉय आपके दरवाजे पर नज़र आता है। होटल और रेस्टोरेंट से यह खाना कई गुना सस्ता भी पड़ता है, ऐसे में यह आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ता। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी ये कंपनियाँ कैसे पैसा कमाती हैं? और कभी आपने यह भी सोचा है कि ये कंपनियाँ पैसा कमाती भी हैं या नहीं? नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है, द रूरल प्रेस डॉट इन देख रहे हैं आप। यदि जोमैटो और स्विगी की कमाई की बात की जाए तो विशेषज्ञ मानते हैं कि इन कंपनियों के पास बहुत सारे फंड्स हैं और इन फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे इन्वेस्टर जो इन कंपनियों पर निवेश करते हैं, जिसे यूज़ कर कंपनियां इतना सारा डिस्काउंट दे पाती हैं। अब आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, इन दोनों कंपनियों ने अब तक एक रुपये का भी मुनाफा नहीं कमाया है। घूम गई ना खोपड़िया। आप सोच रहे होंगे कि जब मुनाफा ही नहीं है तो देश और दुनिया की इतने बड़े इन्वेस्टर्स इन कंपनियों पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? हर एक बार जब आप ऑर्डर करते हैं तो 40% और 50% का डिस्काउंट कूपन डालते हैं। अब यह सीधे इन्वेस्टर्स की जेब से जाता है और तब आप सस्ता खाना इंजॉय कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब आपको इन कंपनियों का आदि बनाने के लिए किया जा रहा है। एक बार आपको सस्ते खाने की लत लग जाए तो फिर ये अपना डिस्काउंट घटा देंगे और आपको जबरन महंगा खाना खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? क्या बिना डिस्काउंट के भी आप इतना फूड ऑर्डर करेंगे जितना अभी करते हैं? तो शायद बिना डिस्काउंट के आप इतना ऑर्डर नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इन इन्वेस्टर्स को यह पता नहीं है कि इन्हीं के पैसे को ही उपयोग कर इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट नहीं मिलने पर ग्राहक भी नहीं होंगे? तो इसका जवाब यह है कि कंपनियां इतनी कमकल नहीं है, बल्कि इनका एक बड़ा गेम प्लान है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। दरअसल जोमैटो सिर्फ फूड डिलीवरी का ही काम नहीं करती है, बल्कि यह कंपनियां इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सर्विस और बिजनेस कंसल्टेंसी का भी काम करती हैं। फूड डिलीवरी के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। अब आपको इनके ऐप पर ना जाने कितने विज्ञापन देखने को मिलते हैं जिससे जोमैटो पैसा कमाता है। आसान भाषा में समझिए, आपने जोमैटो पर सर्च किया कि मुझे बिरयानी खाना है, तो कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ऊपर आएगा यह भी जोमैटो जैसी कंपनियाँ ही तय करती हैं, जिसके लिए होटल और रेस्टोरेंट को एक मोटी फीस देनी पड़ती है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा फीस देंगे उतना आपका होटल और रेस्टोरेंट ऊपर नज़र आएगा, उतना ज़्यादा बिजनेस होगा, और फिर जोमैटो आपके रेस्टोरेंट पर उतना ही ज़्यादा डिस्काउंट देगा, कमाई होते रहेगी और बिजनेस चलता रहेगा। तीसरा है बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस का, यानी कि आपको कहीं भी भारत में रेस्टोरेंट या होटल खोलना है तो आप जोमैटो की मदद ले सकते हैं। पूछिए कैसे? तो इसका जवाब यह है कि जोमैटो पूरे देश भर में बड़े शहरों में फूड डिलीवरी का काम करता है। यानी ये जोमैटो जानता है कि दिल्ली में लोग क्या खाना पसंद करेंगे या साउथ इंडिया में लोग क्या खाना पसंद करते हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा डाटा इन कंपनियों के पास लगातार सिक्योर हो रहा है। इस डाटा की मदद से वो आपकी मदद कर सकते हैं कि आपको कहाँ किस चीज़ का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए और कितने दाम पर अपना फूड बेचना चाहिए। अब आप यह सोचिए कि यदि जोमैटो और स्विगी आने वाले समय में अपने खुद के ही होटल और रेस्टोरेंट शुरू कर दें तो उन्हें कितना मुनाफा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि किस शहर की किस गली में लोग क्या खाना पसंद करते हैं। तो यह है डाटा की पावर। या तो आने वाले समय में जोमैटो और स्विगी के बिना कोई रेस्टोरेंट ही नहीं चल पाएगा, या तो फिर अगर ये खुद के रेस्टोरेंट खोल देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो इनके आसपास भी कोई भटक नहीं पाएगा। तो शायद अब आप समझ ही गए होंगे कि ये ग्लोबल और भारत के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिना मुनाफे वाली इन कंपनियों पर क्यों इतना निवेश कर रहे हैं और उनमें कैसे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। बहरहाल, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप यह वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया।